हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल टॉर्चर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं फोर डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं फोर डिफरेंट ब्रांड्स के मोबाइल के बीच में। यहाँ पे हम मोबाइलों को एक्सट्रीम लेवल तक हीट करेंगे, यानी कि उनका टेम्परेचर 70-80 डिग्री प्लस रहने वाला है। तो इस कंडीशन में मोबाइलों के साथ होता क्या है, क्या बैटरी ब्लास्ट होती है, सर्किटरी जलती है, मोबाइल जलते हैं, या फिर अदर तरह के इफेक्ट मोबाइल में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें, तो आज हम यहाँ पे मोटो वन फ्यूजन प्लस, रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, Vivo Z1X। तो Realme X3 Super Zoom आपको सेम बिहेवियर देगा जैसे Realme X3, क्योंकि दोनों में बस टेलीफोटो कैमरे का डिफरेंस है, इसीलिए दोनों की परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल स्टेज की बात करें, तो आप देख सकते हैं हमने सारे डिवाइसों को रूम टेम्परेचर पे रखा था और लगभग यहाँ पे सारे डिवाइस चार्ज है। इसके साथ साथ यहाँ पे 33 डिग्री के आसपास हमें सभी में टेम्परेचर देखने को मिल रहा था इनिशियल स्टेज का। तो हमने मोबाइलों का टेम्परेचर लिया, मोबाइलों में यानी इन चारों मोबाइलों में एज अ हैवी टास्क कैमरा ऑन किया और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी, और सारे के सारे मोबाइल यानी इन चारों मोबाइलों को हमने कड़कती धूप में रख दिया। वो भी ब्लैक सरफेस पे। तो इसको लेकर आपके मन में डाउट होगा, वो भी हमने कैमरा ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे काफी ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें आउटडोर में मोबाइल ऑपरेट करना पड़ता है गर्मियों के दिनों में या कड़कती धूप में, तो ऐसी कंडीशंस में मोबाइल हीट होते हैं, ओवर हीट होते हैं, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस फंसती हैं जब आप मोबाइल को कार में रख के भूल जाते हैं और मोबाइल में कोई टास्क ऑन रहता है, ऐसी कंडीशन में भी मोबाइल ओवर हीट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इनसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन बनाएंगे और आपको बताएंगे कि जब मोबाइल को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो मोबाइल के साथ होता क्या है, क्योंकि रिसेंट में काफी मोबाइलों के जलने और फटने की न्यूज आई है, जैसे Redmi Note 10 Pro, Realme X3, तो इनके जलने और फटने की न्यूज आई है, यूजर्स ने रिपोर्ट करी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि यहाँ पे इन चारों के साथ होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर आपको बता दें, जिस सरफेस में हमने मोबाइलों को रखा है उसका ही टेम्परेचर 61 डिग्री प्लस जा चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 4 मिनट का टाइम हो गया था, और 4 मिनट के बाद अगर हम सारे डिवाइसों का टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा दें, तो 56 डिग्री के आसपास वीवो के Z1X में जा चुका है, 60 डिग्री के आसपास रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में जा चुका है, जबकि 62 डिग्री के आसपास Realme X3 सुपर जूम में जा चुका है, और 61 डिग्री के आसपास मोटो वन फ्यूजन प्लस में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi Note 9 Pro Max में कैमरा ऑफ हो गया था, और ये हमें 55 डिग्री के आसपास देखने को मिला, यानी जैसे ही 55 डिग्री क्रॉस कर रहा था Redmi Note 9 Pro में वार्निंग आ रही थी कि मोबाइल ओवरहीट हो चुका है और उसने कैमरे को ऑफ कर दिया, अब कैमरा ऑन करने नहीं दे रहा था, जबकि Vivo Z1X में फ्लैश ऑन नहीं कर सकने वाली वार्निंग आ रही थी जबकि रिकॉर्डिंग चल रही थी, Realme X3 Super Zoom में भी रिकॉर्डिंग चल रही थी और Moto One Fusion Plus में भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो हमने टेस्ट को कंटिन्यू रखा, कड़कती धूप में मोबाइल थे, लगभग 7 मिनट का टाइम हो चुका था, और अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों का टेम्परेचर आपको फिर से मेजर करके दिखा दें, तो अब 60 डिग्री पहुंच चुका है Vivo के Z1X का, 61 डिग्री के आसपास है Redmi Note 9 Pro Max का। आप देख सकते हैं ये मेन मेन्यू में है अभी भी, लेकिन ये कैमरा ऑन करने नहीं दे रहा। हम कैमरे में क्लिक करते हैं, वार्निंग का साइन आ जाता है और कैमरा ऑफ हो जाता है। 67 डिग्री जा चुका है Realme X3 Super Zoom का और 67 डिग्री Moto One Fusion Plus का। यहाँ पे Realme X3 Super Zoom में भी हमें वार्निंग आ चुकी है, इसने पूरी मोबाइल को फ्रीज कर दिया है, सिर्फ यहाँ पे इमरजेंसी कॉल करने का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि एक तरह से मोबाइल का जो टास्क चल रहा था कैमरा बैटरी प्रोसेसर दोनों पर ही लोड डाल रहा था, जिससे कि मोबाइल धूप में तो गर्म हो ही रहा था उसके कारण और ज़्यादा हो रहा था। इस टास्क को कम करने के लिए यहाँ पे मोबाइल को फ्रीज कर दिया। तो ये एक सर्वाइवल टैक्टिक्स होती है मोबाइल की, कि किस तरह से इन कंडीशन में सर्वाइव करें। जैसे कि आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro Max जिसमें टेम्परेचर 60 डिग्री पहले ही जा चुका था, लेकिन अभी 61 है क्योंकि वो टास्क ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो कैमरे को ऑन करने ही नहीं दे रहा है,
या फिर अदर टास्क करने ही नहीं दे रहा क्योंकि मोबाइल हीट हो चुका है, इसीलिए उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लगभग 8 मिनट का टाइम हो चुका था, हमने मोबाइलों को स्टूडियो में ला के देखा। वीवो और मोटो यानी वीवो Z1X और मोटो 1 फ्यूजन प्लस, ये दोनों में रिकॉर्डिंग ऑन थी। रियलमी X3 सुपर जूम में स्क्रीन फ्रीज थी, ठीक है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स होम स्क्रीन पे था। 65 डिग्री का टेम्परेचर मोटो 1 फ्यूजन प्लस में जा चुका है, 65 डिग्री का रियलमी X3 में, 59 डिग्री रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और 59 डिग्री के आसपास वीवो Z1X। तो यहाँ पे स्टूडियो में लाने के बाद उन्हें थोड़ी देर हमने रखा था जिसके कारण टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो चुका है। तो फिर इसके बाद हमने तुरंत मोबाइलों को फिर से इन्हीं कंडीशन में, जिन कंडीशन में अभी मोबाइल है, हमने फिर से कड़कती धूप में रख दिया। लगभग 16 मिनट का टाइम हो चुका था, 65 डिग्री जा चुका है वीवो के Z1X का टेम्परेचर, 66 डिग्री है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का, 70 डिग्री जा चुका है Realme X3 Super Zoom का, जबकि उसकी स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ा है। 74 से 75 डिग्री जा चुका है Moto One Fusion Plus का टेम्परेचर, यानी कि आप देख सकते हैं 75 डिग्री तक जा चुका है और Moto One Fusion Plus में अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई वार्निंग नहीं आई। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जाने के बाद भी कोई वार्निंग नहीं आई, जबकि वीवो में फ्लैश ऑन नहीं करने वाली वार्निंग आ रही थी, उसके अलावा ओवरहीट की वार्निंग नहीं आई थी। और अगर Moto One Fusion Plus के बैक की बात करें तो लगभग 67 डिग्री का टेम्परेचर गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन थी, ये एक बड़ा पॉइंट है। लगभग 19 मिनट का टाइम हो चुका था और Moto One Fusion Plus फाइनली स्विच ऑफ हो गया, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे किसी तरह का तो एल्गोरिदम वर्क कर रहा है जो 75 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा है। उसके पहले किसी भी तरह की वार्निंग साइन नहीं आई कि आपका मोबाइल हीट हो गया है, ओवरहीट हो गया, आपको पता ही नहीं कि मोबाइल के साथ हो क्या रहा है। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशंस से बचने के लिए मोबाइल कंपनी अलग अलग तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन लाती, जैसे रेडमी में आपने देखा कि 50 डिग्री या 55 डिग्री के बाद ही रेडमी नोट 9 प्रो में वार्निंग साइन आ गई, जबकि इसके पहले हमने जब टेस्ट परफॉर्म किया था उसमें किसी भी तरह की वार्निंग साइन नहीं आ रही थी, वो डायरेक्ट स्विच ऑफ हो रहा था जैसे Moto One Fusion Plus, लेकिन वो भी स्विच ऑफ हो रहा था लगभग 70 डिग्री पहुंचने के पहले। और रीसेंट अपडेट के बाद Redmi Note 9 Pro Max में हमें वार्निंग आती हुई नज़र आ रही है, एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, इसीलिए हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं जिससे कि कंपनियों पर प्रेशर भी रहे कि अगर वो किसी तरह का लूप होल छोड़ती जिनसे यूज़र्स को नुकसान हो सकता है तो वो ना हो, इसीलिए हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max स्विच ऑफ हो चुका था, Vivo Z1X में कैमरा ऑन नहीं करने दे रहा था, यानी कि उसमें वार्निंग आ गई थी कि मोबाइल ओवरहीट हो चुका है, लगभग 70 डिग्री पे वार्निंग आई थी, कैमरा ऑन करने नहीं दे रहा था, मेन मेन्यू पे था। Realme X3 Super Zoom स्क्रीन को फ्रीज करके रखा हुआ था, लगभग 67 डिग्री के बाद इसने स्क्रीन को फ्रीज कर दिया था और वो स्क्रीन को ओपन नहीं करने दे रहा था, यानी कि स्क्रीन ओपन होगी ही नहीं तो आप कहाँ से कोई टास्क ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि Moto One Fusion Plus में लगभग 75 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाने के बाद स्विच ऑफ हो गया है। तो हमने सारे डिवाइसों को स्टूडियो में लाए, इन्हें ऑन किया थोड़ा ठंडा करके, और इनका जब बैटरी का टेम्परेचर देखा तो आप देख सकते हैं 56 डिग्री Realme X3 Super Zoom में, 57 डिग्री Redmi Note 9 Pro Max में, 59 डिग्री Moto One Fusion Plus में और 56 डिग्री Vivo Z1X में, यानी कि बैटरी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा जा चुका है। ये अभी की कंडीशन है जब मोबाइल थोड़े ठंडे हो चुके हैं, जब गर्म थे तो आप सोच सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस बैटरी का टेम्परेचर था, ये एक क्रिटिकल कंडीशन है, इसीलिए हम इस तरह के टेस्ट करते हैं पूरी प्रिकॉशन के साथ कि आपको ये पता चल जाए कि अगर कोई मोबाइल इन कंडीशंस में किसी तरह का अनयूजुअल बिहेवियर देता है तो आप उससे बच सकें। तो हमने सब मोबाइलों को ऑन किया और फिर से इन्हें कड़कती धूप में कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी और फिर से कड़कती धूप में रख दिया। तो लगभग 30 मिनट का यहाँ पे टाइम हो चुका था और Moto One Fusion Plus 70 डिग्री प्लस जा चुका था, ठीक है, और उसके बाद ये फिर से डायरेक्ट स्विच ऑफ हुआ, यानी कि सभी का बिहेवियर हमें कुछ इसी तरह का देखने को मिला। Vivo Z1X में 70 डिग्री तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना फ्लैश के, 70 डिग्री जैसे ही क्रॉस करता है ये मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करता है, ये कैमरे को बंद कर देता है और आपको कैमरा ऑन करने नहीं देगा। Realme X3 Super Zoom की बात करें तो लगभग 65 से 67 डिग्री तक ये कैमरा ऑपरेट करने दे देता है, उसके बाद ये स्क्रीन को फ्रीज कर देता है। और अगर हम यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max की बात करें तो लगभग 55 डिग्री तक ये कैमरा ऑपरेट करने देता है, उसके बाद स्क्रीन को फ्रीज कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं मेन मेन्यू में रखता है कि आप इमरजेंसी कॉल कर सकें अगर मोबाइल और ज़्यादा गर्म होता है
तो ये मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन वर्क करते हुए नजर आए। अब आप कमेंट करके बताइए क्या मोटोरोला को यहाँ पे वार्निंग देनी चाहिए ओवरहीट की, कुछ अदर सेफ्टी देनी चाहिए कि डायरेक्ट बंद होना ही सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टी वाई जे वर्ल्ड।